आज ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन पेहोवा यूनिट की मीटिंग कार्यकारी अभियंता भूपेंद्र सिंह के साथ साथ यूनिट प्रधान जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। गुरचरण संधू ने कहा कि जो नोटिस डेट मीटिंग का दिया था, कार्यकारी अभियंता ने बातचीत के लिए यूनियन पदाधिकारियों को बुलाया, जिसमें पेहोवा यूनिट से यूनिट प्रधान जोगेंद्र सिंह, यूनिट सचिव गुरचरण संधू, सब यूनिट शहरी प्रधान मुकेश गोस्वामी, सब यूनिट सचिव अनिल कुमार, सब यूनिट उप प्रधान सुरेंद्र सिंह, हजूर सिंह जय थे। गुरचरण संधू ने बताया कि कार्यकारी अभियंता के साथ कर्मचारियों की सभी मांगों पर सहमति हुई, उसके बाद फैसला लिया गया कि गेट मीटिंग को कैंसिल किया जाता है। इस मौके पर मनोज कुमार, रावल गुप्ता, महेंद्र वर्मा, सौरभ पठानिया, पंकज कुमार, कृष्ण कुमार इत्यादि कर्मचारी मौजूद रहे। यूनिट सचिव पेहोवा, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनिट। आज क्या प्रोग्राम था अपने यहाँ? आज हमारी जो हमने नोटिस दिया था गेट मीटिंग का, उसके लिए आज बातचीत के लिए एक्शन ऑपरेशन पेहोवा ने बुलाया था, जिसमें हमारी मांगों पर सहमति हुई और एक्सल ने जो आदेश ऐसे गलत भेजे थे डाटा गया था, उसके बारे में ऊपर अधिकारियों को लिखित में दे दिया है। और हम अब हमारी सेंटर काउंसिल से बात की, उन्होंने कहा कि जो आपने गेट मीटिंग की है वह कैंसिल की जाए। क्या क्या डिमांड थी जी वैसे आपकी? हमारी मेन तो डिमांड थी कि दो ऐसे थे, उनकी सेंक्शन नहीं आई थी अभी तक, वो गलत डाटा जा रहा था। दूसरी डिमांड सैलरी की, कर्मचारियों की, हमारे 5-6 कर्मचारी हैं, उनकी आज तक सैलरी नहीं आई 5-6 महीने से, उसके बारे में भी एक्शन ऑपरेशन ने उच्च अधिकारियों को लिखित में दे दिया है। एक और मांग थी कि पहले धरने के दौरान कुछ कर्मचारियों की अबसेंट लगी थी, उसके बारे में भी अब कर्मचारियों को बोल दिया है एक्शन ऑपरेशन। खबरनामा हरियाणा के लिए पेहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।